वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की जो वीडियो है वो बहुत सिंपल सी है पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो वीडियो ये है कि मुझे फेसबुक पे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप जब मेकअप करते हो तो आप इतनी सारी चीज लगाते हो कि हमें समझ ही नहीं आता कि हमें सबसे पहले लगाना क्या है। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई थी जब मैंने भी पहले ये सब वीडियोज देखना ट्राई करा था, तो मुझे भी समझ नहीं आता था कि ये लोग आखिर लगा क्या रहे हैं, सबसे पहले ये लगाते क्या है एंड फिर ये क्या लगा रहे हैं। मैं भी कंफ्यूज रहती थी क्योंकि मुझे भी उस टाइम पे मेकअप के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी। मैं भी यही सोचती थी कि पहले क्या लगाना है। तो इसीलिए मैं आप लोगों की सारी कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ कि सबसे पहले हमें क्या लगाना है और कैसे लगाना है। मैं आपको पूरा बताऊंगी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, बट सिर्फ मैं आपको आज बेस मेकअप ही बताऊंगी क्योंकि अगर आज मैं पूरा बताने लगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपने वो वीडियो नहीं देखनी है। इसलिए मैंने कोशिश करे कि वीडियो शॉर्ट हो और आप उसे पूरा देखो। तो क्या आप ये वीडियो देखने के लिए इंटरेस्टेड है? अगर आप ये वीडियो देखने के लिए इंटरेस्टेड है तो प्लीज 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 ये वीडियो पूरा देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो स्टार्टिंग टू वीडियो। सबसे पहले जो चीज होती है वो होती है अपने फेस को फेस वॉश करना, अच्छे से क्लीन करना। मेकअप करने से पहले अगर आप अच्छे से फेस वॉश करते हो, अपने फेस को क्लीन करते हो, तो आपका मेकअप बहुत अच्छा दिखेगा। उसके बाद अच्छा मॉइस्चराइजर होना बहुत जरूरी है। तो आपको मैं ये भी बता दूं कि हमारी जो स्किन होती है उसमें सबसे ज्यादा जो मेन रोल प्ले करते हैं वो होते हैं मॉइस्चराइजर, कि आप डेली बेसिस पे कौन सा मॉइस्चराइजर यूज करते हो। तो मैं जो मॉइस्चराइजर लगाने लगी हूँ वो है बायोटिक का, ये वाला मॉइस्चराइजर। और इस मॉइस्चराइजर में कोई भी केमिकल नहीं होता, सारे नेचुरल प्रोडक्ट है इसमें, स्किन पे कोई हार्म नहीं करने वाले। उसके बाद मैं जो यूज करती हूँ वो है गुड वाइब्स का सीरम, ये है टी ट्री पपाया फेस सीरम। तो इसे मैं यूज़ करती हूँ मॉइस्चराइजर के बाद। अब मैं ये मॉइस्चराइजर को निकाल रही हूँ। हमें मॉइस्चराइजर लगाने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो हमें सबसे पहले अपने स्किन पर मॉइस्चराइजर लगाना है। इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत माइल्ड है एंड मैं ये 2 ड्रॉप्स आप ऐसे भी लगा सकते हो या फिर आप फाउंडेशन के साथ इसे मिक्स करके भी लगा सकते हो। मैंने इसे 2 ड्रॉप्स ऐसा करके हाथ पे लिया एंड जस्ट इसे टैप टैप करके मैं लगा रही हूँ। अब मैं लगा रही हूँ प्राइमर। अगर आपके पोर्स ओपन है तो आपको प्राइमर लगाना ही लगाना है। तो हमें क्या करना है, बस यहाँ पे लेके इसे फिल कर देना है। हमें इसे मॉइस्चराइजर के जैसा रगड़ना नहीं है, बस हमें ऐसे लेयर्स करके दबा देनी है, मीन्स इसे फिल करना है, पोर्स को फिल कर देना है। सेम मैं इधर भी करूँगी। अब इसके बाद मैं क्या ले रही हूँ, फाउंडेशन। ये मैंने फिटमी का फाउंडेशन लिया हुआ है, आप देख सकते हो फिटमी का। इसमें मेरा शेड है 128 वार्म न्यूड। 2 पम्प्स लूंगी, 1 2, बस इतना सा काफी है। मैं फिंगर की हेल्प से फाउंडेशन को अपने फेस पे डॉटेड करके अप्लाई करूंगी। जिस हमें डॉट डॉट करके इसे अप्लाई करते जाना है। कल मैंने आप लोगों को फाउंडेशन लेना तो सिखा ही दिया है कि फाउंडेशन हम कैसे लेंगे, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आज मैं अप्लाई करके भी दिखा दे रही हूँ आपको कि एंड उसके बाद ले लिया हुआ है। अब जस्ट मुझे इसे टैप टैप करना है, अच्छे से ब्लेंड करना है क्योंकि ब्लेंडिंग इज द की। अगर आप अच्छे से ब्लेंड नहीं करोगे तो वो अच्छी नहीं दिखेगी। बस आपको ब्लेंड करते रहना, जितना आप ब्लेंडिंग में टाइम दोगे उतनी अच्छी आपकी बेस लगेगी। ठीक है, मैंने अच्छे से फाउंडेशन लगा ली। कॉम्पैक्ट और लूज पाउडर में डिफरेंट ये होता है कि कॉम्पैक्ट हमें थोड़ी कवरेज देती है और लूज पाउडर जो होते हैं वो हमारे बेस को सेट करते हैं। तो मैं अभी कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ। हमें कॉम्पैक्ट ये ऐसे ही लगा होता है, इसमें बहुत घिस घिस के हमें नहीं लेना, जस्ट हमें ये बस टच यू टच एंड जस्ट हमें ऐसे टैप करना है। कोई भी चीज को हमें फेस पे रगड़ना नहीं, अगर हम रगड़ते तो नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे एंड वो खराब हो जाएगी। इसलिए कोई भी प्रोडक्ट को अगर आप फेस पे डाल रहे हो तो जस्ट उसे दबाते जाओ, टैपिंग मूवमेंट में करते जाओ। ठीक है, और कानों को कभी नहीं भूलना क्योंकि अगर आप फेस पे फाउंडेशन लगा रहे हो कान को भूल जाओगे तो फेस पूरा कान काला लग जाएगा। तो कान नहीं छोड़ना, कान पे भी अच्छे से एक बार हाथ से टच कर देना है बस ऊपर ऊपर। तो ये मेरा इस सेट हो गया। अब नेक्स्ट मैं क्या करूंगी, एक ब्रश लूंगी, ये मेरा पाउडर ब्रश है। आपने क्या करना है कि ये ब्रश को एक बार अपने फेस पे जस्ट फेर देना है। जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होंगे वो या तो बाहर चले जाएंगे या तो ब्रश पे लग जाएंगे, तो हमें सारे वो हटा देने हैं।
अब मैंने हटा दिया, ये मेरा बेस कंप्लीट हो गया है। अब देख सकते हो मैंने बहुत अच्छे से बेस कर लिया। अब आपको क्या करना है, बेस करने के बाद आपको आईब्रो करने हैं, आई शेडो आप चाहो तो लगा सकते हो, लिपस्टिक लगा सकते हो, कॉन्टोर कर सकते हो, ब्लश लगा सकते हो, हाईलाइटर लगा सकते हो। तो अभी मैं ये सारा करके हूँ ऑफ कैमरा, क्योंकि अभी अगर मैं करने लग गई तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपने क्या करना है, स्किप कर देना है, देखना ही नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी वीदियो पूरा देखो, इसलिए मैं तुरंत आई। दिस इज माई फाइनल लुक। आप देख सकते हो मेरी बेस कितनी अच्छी दिख रही है, कितनी ग्लोई लग रही है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।